हाय, आज हम बनाएंगे आलू और क्लस्टर बीन्स का फ्राई। इसको आप रोटी और चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। इसके लिए हम पहले 1 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। अब उसमें 1/4 टेबलस्पून ज़ीरा, 1/4 टेबलस्पून राया, माश, चना दाल, थोड़े से पुठाने, थोड़े से सफ़ेद माश, 2 या 3 कटे सूखे लाल मिर्च, थोड़े से करी पत्ते डाल देंगे। 1 मिनट के लिए इसका टेम्परिंग कर लेंगे। अब इसमें 1/2 कप ऑनियंस काट के डालेंगे। ऑनियंस ऑप्शनल है। अब हम ऑनियंस को ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेंगे। फ्लेम को मैंने सिम पे रखा है। अब इसमें 1 कप आलू डालेंगे बारीक कटे हुए, और फ्लेम को मीडियम रख लेंगे। 5 मिनट्स के लिए पका लेंगे मीडियम पे बिना कवर के। अब 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। वेजिटेबल्स में जिंजर गार्लिक पेस्ट ज़रा कम यूज़ कीजिए, क्योंकि सारा फ्लेवर इसी से मार खा जाता है अगर ज़्यादा हो गया तो। ये बस एक एडवाइस है। अब 2 मिनट के लिए पकाएंगे सिम पे ही। अब 1/4 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून नमक डालेंगे, और जब तक ये आलू जो है नरम पकना जाए तब तक इसको पकाएंगे। मतलब 3/4 पकना चाहिए बिना कवर किए, सिम पे या फिर मीडियम पे। देखिए, जब आलू ऐसे कट करोगे तो वो आसानी से कट हो जाना चाहिए। और थोड़ा सा मैंने जला लिया है क्योंकि मुझे क्रिस्पी बहुत पसंद है। अब इसमें हम अपने उबाल कर रखे हुए क्लस्टर बीन डालेंगे। मटकी फली, गवार की फली। मैंने कुकर में थोड़ा सा नमक डालकर, मतलब 1/4 टेबल स्पून नमक डालकर बहुत ही कम वाटर में एक केजी के लिए उबाल कर रख लिया था। अब इसको हम बस 5 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसमें कोकोनट पाउडर डालेंगे। ये ऑप्शनल है। कोकोनट पाउडर तभी डालिए जब फली और आलू दो भी अच्छे से पक जाए, मतलब लास्ट में। अब बस 2 मिनट के लिए इसको चला लेंगे सिम पे। अब लास्ट में 1/2 टेबल स्पून या अपने स्वाद के हिसाब से रेड चिली पाउडर डालिए, और 1 मिनट के लिए चलाइए बस। 1 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर लेंगे और थोड़े से कोरिएंडर लीव्स ऊपर से डाल देंगे। बन गई हमारी सिंपल आलू और क्लस्टर बीन्स का फ्राई। ट्राई जरूर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। प्लीज़ लीव अवेलेबल कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।